हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लद्दाख के टूर के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रुके थे जिस्पा के रोलिंग स्टोन होम स्टे एंड कैफ़े में। सुबह हो चुकी है और हम आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं और दूसरे दिन की आज हम जाएंगे जिस्पा से पदुम तक। यह तकरीबन 143 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। ये सारा सफ़र ऑफ रोड होगा और इसमें एडवेंचर भी रहेगा। तो आइए अपनी यात्रा दूसरे दिन की शुरू करते हैं। चलते हैं पदुम की ओर। हम जिस्पा से सुबह 7 बजे निकल पड़े हैं। आगे दारचा में हम देखते हैं कोई ढाबा वगैरह मिलता है तो हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे। सड़क के साथ ही निचली ओर भागा नदी बह रही है। ये तांदी में जाकर चंद्रा से मिलती है और चंद्रा भागा नदी बनती है। सभी खुश हैं। सामने पहाड़ी पे आप देख रहे होंगे, दाईं साइड को लेह की ओर रोड जाता है, हम जाएंगे बाईं ओर। इससे पहले दारचा में भागा नदी पर पुल नहीं था, टेम्परेरी पुल था। अब नया पुल बन के तैयार हुआ है, हम नए पुल पे जा रहे हैं। किनारे पे हम दारचा पहुंच जाएंगे। पुल क्रॉस करते ही आपको पुलिस चेक पोस्ट मिलेगी जहाँ पर आप की रजिस्ट्रेशन होगी। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ हमारे को ब्रेकफास्ट मिल गया है, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके हम निकल चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, यहाँ से अगर आपने लेह की ओर जाना है तो आप दाईं ओर मुड़ेंगे और अगर आपने सीधे ही कारगिल की ओर जाना है तो आपको पदुम होकर यहाँ से सिंकुला पास क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। हम जा रहे हैं सिंकुला पास की ओर।
अगर मैं भारतीय हिमालय में एक साहसिक सड़क यात्रा के बारे में सोचता हूँ तो कुछ मार्ग हैं जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आते हैं, और इनमें सबसे पहले स्पीति घाटी, लेह से नुब्रा घाटी की यात्रा और भैरगाह से सच पास जांस्कर वैली शामिल है। मैं इन नामों के बारे में खराब सड़कों या नदी में क्रॉसिंग की पेशकश के कारण नहीं सोचता, बल्कि इन जगहों के सुनसान होने के कारण सोचता हूँ। दोस्तों, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, अगर आप कहीं बीच में फंस जाते हैं तो आसपास खोजने में लगभग कोई मदद नहीं मिलती है। यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, आपको कोई भी व्यक्ति दिखेगा नहीं, इसलिए यात्रा बड़ी जोखिम भरी है। अभी हम सिंकुला पास के बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं, ग्लेशियर हमें मिल रहा है। जल्दी ही हम 16,580 फीट पर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे। दोस्तों, हम सिंकुला पास के थोड़ा सा पीछे हैं। यहाँ पर प्लेन जगह हमें मिली है, यहाँ से एक झील पानी की बनी हुई है जो पानी दारचा की ओर बहता है। BRO इस रोड को बना रहा है। सिंकुला पास तक आपको रोड उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन गाड़ी आपकी आसानी से पहुंच सकती है। लीजिए, अब हम बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं। दोस्तों, दारचा से सिंकुला पास लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, जैसा मैं बोल रहा था कि एक पानी की झील जैसी बनी हुई है, ये पानी हमारे दारचा की ओर बहता है, और जहाँ ये साइन बोर्ड लगा, इसके दूसरी तरफ कुर्गियाक या जांस्कर वैली शुरू हो जाती है। अब हम दूसरी तरफ उतर रहे हैं, यहाँ से नीचे की ओर उतराई है।
अभी तो ग्लेशियर हमें मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ग्लेशियर कम होता जाएगा। रोड बिल्कुल ख़राब है, उतराई में उतनी समस्या नहीं आ रही है, लेकिन गाड़ी को बहुत ही धीमा चलाना पड़ रहा है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं कुरियाक। यहाँ पर लद्दाख की पुलिस चौकी है जिन्होंने रास्ता हमारा रोक दिया है, शायद कुछ चेकिंग हो रही है। हाँ, पता करने पर चला कि आपका दोबारा कोविड टेस्ट होगा, तो हमें यहाँ अपना कोविड टेस्ट देना होगा। देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। कुरियाक चेक पोस्ट पर हमने अपना कोविड टेस्ट पास कर लिया है, हम सभी नेगेटिव आए हैं। अब हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हम पुरने की ओर जाएंगे, जो कि यहाँ से लगभग 56 किलोमीटर की दूरी पर है, और रास्ता वही नदी नालों से होता हुआ। कई बार तो समस्या आ जाती है कि रोड कहाँ से है, सामने से गाड़ी आ रही है, हम रुक गए हैं, देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। हम सोच रहे थे कि कहीं साइड से कोई रोड है, लेकिन नहीं, पानी के बीचों बीच ही गाड़ी को ले जाना होगा। देखते हैं, दोस्तों कुरियाक और पुरने छोटे शहर हैं जिनमें केवल कुछ छोटे घर ही हैं। यहाँ लगभग सभी घरों पर बुनियादी सुविधाओं और भोजन के साथ ओपन शौचालय हैं। कुरियाक और पुरने में कोई बिजली और फोन रिसेप्शन नहीं है। इस घाटी में आपको कहीं भी टेलीफोन का सिग्नल प्राप्त नहीं है। दिन को गर्मी हो जाने के कारण ग्लेशियर पिघल जाते हैं और इन नदी नालों में पानी बढ़ जाता है, जिस कारण सड़क का कोई पता नहीं चलता है। Thank you.
दोस्तों मंजिल अभी बहुत दूर है, अभी भी हमारे कम से कम 5 घंटे पदुम तक पहुंचने में लगेंगे। हालांकि डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन गाड़ी हम 10 और 20 की स्पीड से ही चला सकते हैं। रास्ता एकदम सुनसान, लेकिन अभी थोड़ी दूरी पर हमें हरियाली नज़र आ रही है और यहाँ पर याकों का एक झुंड हमें मिला। हम यहाँ थोड़ी देर फोटोग्राफी करने के लिए भी रुके। ये वैली थोड़ी मैदानी थी और सुंदर लग रही थी। दोस्तों इस वैली में भी आपको चूहे मिलेंगे जगह जगह, ये देखिए। दिन के 3 बजने वाले हैं और हमें लंच भी करना है, तो हम कोई अच्छी सी जगह देखकर लंच भी करेंगे। लंच हमें खुद ही बनाना होगा क्योंकि यहाँ कोई ढाबा वगैरह नहीं है। जी हाँ, ये हमें एक सड़क के किनारे खाली खेत मिल गया है और यहाँ हम थोड़ा आराम करके अपना लंच भी बनाएंगे। टेंट लगाने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आप सोच रहे होंगे दिन में टेंट क्यों लगा रहे हैं, तो यहाँ हवा इतनी है
कि हमारा गैस का सिलेंडर इसमें नहीं जलेगा, तो हम थोड़ा सा रोक लगा रहे हैं ताकि हवा रुक जाए। लंच हमारा हो चुका है, इसमें हमने दाल चावल ही बनाए। आगे देखते हैं डिनर में हमें क्या मिलता है। अभी हम सामान की क्लोजिंग कर रहे हैं और जल्द दिए अब अगले सफ़र की ओर। अभी भी तकरीबन 3 से 4 घंटे हमारे पदुम तक पहुंचने में लगेंगे, ऐसा हमने स्थानीय निवासी ने यहां बताया। रास्ता बिल्कुल कच्चा है। आप स्क्रीन में सड़क का रूप देख रहे होंगे, पहाड़ी में किस तरह सड़क बनाई गई है। नीचे दरिया है और ऊपर सड़क। नीचे तकरीबन 500 मीटर तक खाई है और नीचे दरिया बह रहा है। इन रास्तों में अगर आपने जाना है तो आप जितना हो सके दिन को ही ये रास्ता तय कर लें। रात में आपको समस्या आ सकती है। पहले यहाँ तो रास्ते का पता नहीं चलता कि सड़क किस ओर है, क्योंकि साइन बोर्ड भी उतने नहीं लगे हुए हैं। ये स्थान भी देखने लायक है। एक तरफ से नीला पानी आ रहा है और दूसरी तरफ से बिल्कुल मिट्टी नुमा और एक विराट दरिया का रूप धारण किए हुए। हम इस टाइम हॉट टॉप पे हैं और यहाँ पर देखो कितना मैदान है चारों तरफ। वो देखो अभी हमें उधम तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 घंटे लगेंगे, बहुत दूर है। अच्छा रिकॉर्डिंग लगी है। 0-0। इस जगह इतना मैदान है कि दोस्तों को नाचने का मन कर रहा है, तो दो दो ठुमके हमने भी लगा लिए। बीच बीच में जहाँ ग्रीनरी आती है वहाँ 3-4 घर हमें मिल जाते हैं। सामने
एक घर के लिए हमें नीचे दरिया में पुल मिला। शाम होती जा रही है, अभी भी 2 से 3 घंटे हमें पोडियम पहुंचने में लग सकते हैं। रास्ता वैसे ही कच्चा है, लेबर के आदमी से हमें पता चला कि आगे जब आपको पक्की सड़क आएगी तो आप समझोगे कि आप पदयुम पहुंचने वाले हैं। दारचा से 122 किलोमीटर हम आ गए हैं, अभी तक पदयुम स्टेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रारू स्टेशन, इसके नेक्स्ट कोई होमस्टे नहीं है, यहाँ कोई होमस्टे नहीं है। हम जा रहे हैं पदयुम उन्नी गुम्पा के आगे। लो जी, पक्की सड़क भी आ गई है, लगता है मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। हम जल्द ही पोडियम में पहुंच जाएंगे, जिसमें आप सुन कारगिल जिला का पोडियम शहर। यहाँ हमने एक गेस्ट हाउस ले लिया है, अब यहीं रहेंगे। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।